नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आखिरकार क्या कारण है कि लोग आपसे जलते हैं, लोग आपका बुरा चाहते हैं, लोग पीठ पर कुछ और बात, मुंह पर और कुछ बात करते हैं और लोग हमसे बहुत जलते हैं। इस वजह से हमें कई सारी परेशानियाँ भी झेलना पड़ती है, चाहे ऑफिस में, चाहे व्यापार में, चाहे परिवार में, या न जाने ऐसे कई सारे मोर्चे हैं जिन मोर्चों को शायद हम देखते भी नहीं हैं, वहाँ भी हमें परेशानियों को इस वजह से झेलना पड़ रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यहाँ से शुरू होती है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं हमेशा, जिन लोगों की मदद की, बल्कि उन लोगों ने हमारे साथ छल कपट और धोखा किया। तो आखिरकार ऐसा आपके साथ क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो ऐसे परेशानी से हमको कैसे बाहर आना है, इस पूरे विषय पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सकारात्मक और अच्छे वीडियो मिलते रहें। अगर अपने कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, वो ज़रूर आपको लिखना है दोस्तों। सबसे पहली बात, चलने के पीछे एक मूल वजह यह है कि आपका सरल व्यवहार, लोगों का काम कर देना, किसी भी व्यक्ति को सही राय देना, किसी भी व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना, ये सबसे महत्वपूर्ण वजह होती है। इसलिए मदद करें और ये आदत अपनी कभी मत बदलें। चाहे लोग कितने भी जलते क्यों ना हो, वो कभी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा, आपकी ईमानदारी और आपकी जो शिद्दत है, वो हमेशा ईश्वर की भक्ति के लिए है, और हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है, हमारा भाव पूर्णतः शुद्ध है। इस वजह से कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होगी। बस शर्त यह है कि आप उस बात को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, अपने दिमाग में उनकी जलन को, उनकी इन भावनाओं को ना रखें, क्योंकि उनमें और हमें फिर क्या अंतर रहेगा। आप जितना हो सके खुद सकारात्मक सोचें, सकारात्मक काम करें और खुद को सकारात्मक रखें। ये जलने वाला जो कॉन्सेप्ट ये नकारात्मक लोग रखते हैं, और वो नकारात्मकता हमें भी फैलाना चाहते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं हो इस विषय को लेकर, कभी कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, ये बात हमेशा याद रखें। ओम नमः शिवाय।